ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਏ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੀਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹੜੂ 45 ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਓ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ पर कई सालों तो पशुआं लई फीड बनाउण वाले इस वड्डे सहकारी अदारे नूं भी बिना सबूत हादसे की वजह किवें मन्निया जा सकता है। इस मामले च सवेरा पंजाब की टीम वालों वेरका फीड प्लांट भट्ठियां का दौरा किया गया और इस तो बाद राओ फार्म के मालिक रजिंदर पाल सिंह राओ नाल गलबात की गई। जिहड़ा वेरका एक वड्डा अदारा है जिदा तुसीं नाम ले रहे हो जदों पोस्टमार्टम की तुहाडे कोल रिपोर्ट नहीं तुसीं किवें कह सकदे हो पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट्स पी ए यू कोल ने जी डॉक्टर सारे कोल उत्थे ने कार्रवाई चल रही है ते उन्हां दे कहण ते भी इशारा वेरका कि नहीं हो रहा पर वो मैं तुहानू पहले ही दस चुका भी सिंगल फैक्टर काउंट नहीं ना हो रहा पर वेरके नूं इगनोर भी नहीं किया जा रहा। सर कोई होर मामला तो सामने नहीं आया कोई होर मामला भी आ सकता सी? मामला जी हुणे मैनूं फोन आया मोहाली दे कोले ना इदां ही 30 उत्ते मझां मर गईआं जी मैनू नहीं पता हुण कल दीआं मर रहीआं ने कि अज भी हो गईआं ते इह भी पता लग रहा उत्थे वेरके दी फीड पहुंची सी 30 तरीक दा अलॉटमेंट उत्थे पहुंची है जी 30 तरीक नूं जे उत्थे फीड पई है ता अज 30 तों प्लस किसे दीआं मझां मर रहीआं ने उत्थे तां हुण वाकई इह इक चिंता दा विशा ते वेरके दी फीड सी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਰਕੇ ਦੀ ਹੀ ਫੀਡ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਪਾਈ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਲਝ ਗਏ तो मैं तो उही चीज़ा दसनिया ने उही तत् दसने ने जो मेरे सामने हो रहे हैं जे फीड पाने स्ट्रैस आए हैं मैं दसूँगा फीड पाए ने जी लुकाउण दे विच की हर्ज है चाहे दारा जिड्डा वड्डा मर्जी होवे जे मेरे मूहरे किसी का नुकसान उहदे करके होया तो मैं नाम लूँगा। सर जेकर यह हो जाता है भी वेरका की फीड पाने ही मझां की डैथ हुई है तो अगला स्टैप की होगा? अगला स्टैप तो ही हूँ आप सियाने ने एडे बड़ी फर्म चला रहे हैं तो उन्होंने आपकी जिम्मेवारी बनती है साढ़े नाल उरे आके बराबर बैठन जिन्ना नुकसान होया सारा भर के जाऊँ। सर जेकर इदा हो जाता भी उन्होंने की फील करके डैथ नहीं होंगी इदा सिद्ध हो जाता फिर तुम की कहना चाहोगे जो उन्होंने नाम धब्बा लग गया? ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੇਰਕੇ ਦੀ ਫੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? मेरा मेजर च शक है 80% मैं कह सकता फीड जिम्मेवार निकलूगी इन्होंने जेकर नहीं निकलती फिर देखो जी स्पष्टीकरण तो मैं दत्ता ही नहीं। हाँ जी क्योंकि एक मैं गल तुहाडे नाल कर रहा एक वड्डा अदारा है जिहड़ा कि लगभग पिछले 25-30 सालों तो किसानां नूं फार्मरां नूं डेयरी फार्मर वाले नूं जिहड़ी फीड वगैरह प्रोवाइड करा रहा है कि उन्हां दी मार्केट ते असर नहीं पाएगा फिर इस चीज़ का? देखो जी मार्केट ते असर पवे ना पवे मेरे 45 लाख दे पशु चले गए तो फिर चाहे मैं शक करा जे मेरा शक सही भी निकलिया फिर उत्थे तां इह जिम्मेवार निकले आउणगे। बिल्कुल जी हाँ जी तां फिर जे शक मेरा गलत भी निकलदा तां उत्थे मैं कसूरवार नहीं क्योंकि मैं सिर्फ उह तत्त दे उत्ते बोलिया वी 1 तरीक नूं इहनां दी फीड पई सी मेरे पशु उलझे ने। की तुसीं बस स्पष्टीकरण दोगे चंगी तरह भी जिहड़ी फीड आ इहदे लई रिस्पोंसिबल नहीं सी जेकर क्लीयर हो जांदा तां? हाँ बिल्कुल देवांगे फिर आप भी इह सिद्ध करना के मेरे को 50-60 सैंपल हले भी प्रीमियम फीड दे पे ने तरह तरह की इन्हों की सैंपलिंग की मैं टेस्टिंग भी करवा रहा पी ए यू आके बार बार लेके जा रही है सैंपल इन्हों चो सो अपन किसी गल का कोई डर नहीं है जी। जदों इस मामले च नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट बोर्ड च न्यूट्रिशन हैड रह चुके अते करीब 2 सालों तो वेरका फीड प्लांट भट्ठियां सेवावां निभा रहे ने डॉक्टर एम आर गर्ग नाल गलबात की गई तो उन्होंने राओ फार्म के मालक वालों लगाए गए इल्जामों को बेबुनियाद करार दिता। उन्होंने कहा कि मझां की मौत किसी भी बीमारी नाल हो सकती है
डॉक्टर गर्ग ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पहला ही रॉ फार्म के मालिक रजिंदर पाल सिंह वालों वेरका वर्गे सहकारी अदारे से इल्जाम लगाना सरासर गलत है। देखो जी, मैं तो यही कहांगा कि जिहड़ा ये एलीगेशन लगाई है इस फार्म के ओनर ने, यह बिल्कुल बेसलैस एलीगेशन है। वो कई कारण मैं दसना चाहांगा। मैं पहली गल तो यह है कि जेडे रजिंदर सिंह जी इस फार्म के मालिक आ जोड़े, वो पिछले लगभग एक साल तो अपने फार्म से फीड खिला रहे हैं गावों, मझां नूं अपना फीड बना के देंदे आ। 31 तारीख नूं साडे बंदियां दे कहण तों उन्होंने मझां नूं फीड एक दिन वास्ते शाम नूं दित्ती, जिहड़ी कि मझां ने खाई नहीं, फिर हटाती। उस तों बाद उन्होंने कदे मझां नूं फीड पाई नहीं, मतलब कि मझां दा मरना सिलसिला जिहड़ा वह 5 तारीख तों शुरू हो गया सी। हुण दूसरी गल इह है कि मेरा इस फील्ड दे अंदर 40 साल दा एक्सपीरियंस है। मैं दावे नाल कह सकदा जिहड़े टैक्नीकल एक्सपर्ट्स मैनूं सुन रहे होणे इस चैनल दे थ्रू, वो मेरे नाल एग्री करनगे कि कदे भी फीड पाण नाल मझां इस तरह गिर गिर के एक तो बाद एक नहीं मर सकदियां। अगर फीड के अंदर कोई टॉक्सिक सबसटेंस हुंदा भी है, कोई हार्मफुल चीज़ हुंदी भी है, उहदा इफेक्ट लोंग टर्म च आंदा, जाके 6 महीने च, साल च, 2 साल च उहदे ऑर्गन खराब हो जाते हैं जानवर के, तो जानवर बीमार पड़ जाता। खड़ा खड़ा जानवर जिहड़ा मर रहा गिर गिर के, उहदा कारण फीड नहीं है, कोई दूसरा है। अच्छा, दूसरी गल यह है कि असी फीड नूं अपनी लबोरटरी च, बाहरली लबोरटरी च हर एक एंगल तो टेस्ट करा लिया। फीड के अंदर यही जी कोई भी चीज़ नहीं है जिहदे नाल कि पशु मर सके। सर, उन्हां दा कहना है भी जिहड़े उन्होंने रिपोर्ट करवाई है एक गढ़वासे तो, उहदे विच 90 दे करीब है जिहड़ा टॉक्सिक पाए गए ने, की कहना हुंदा जी तुहाडा? देखो जी, इस तरह है कि जिहड़ा एफलाटॉक्सिन है फीड के अंदर, अगर 90, पहली गल तो 90 फीड टॉक्सिन है ही नहीं फीड के अंदर। यह भी डिपेंड करता है कि जो फैक्ट्री तो बाद फीड गया, उन्होंने फीड में किस तरह स्टोर किया है। अगर स्टोर प्रॉपर नहीं किया तो एफलाटॉक्सिन बच सकता है। ईवन दैन अगर 90 भी है, मैं चैलेंज करता इस गल को, 90 फीड नाल कदे जानवर मर नहीं सकता। अगर मर जानवर 90 PPM PPV का फीड पाओगे तुसी, तां भी उन्हें मरने वास्ते कम से कम 5 साल लगने उसनों अपना, इन्ने शॉर्ट नोटिस से कदे एफलाटॉक्सिन फीड मर नहीं सकता। दूसरी गल यह है, साडे कोल एफलाटॉक्सिन टेस्ट करने की मशीन है, असी हर एक फीड नू अपने लैवल से टेस्ट करके तां फील्ड च रिलीज़ करते हैं। तीसरी गल यह है कि राजेंद्र सिंह जी ने फीड का सैंपल दोबारा गढ़वासू नू भेजा कि उत्थे फिर एफलाटॉक्सिन का लैवल 35 आया, 35 आया, तो एफलाटॉक्सिन के इस लैवल नाल कदे भी जानवर मर नहीं सकता इन्नी जल्दी, ये मैं दावे नाल कह सकता। मैं फिर जो दोष लाए जा रहे ने हुण तक, जिहड़े डॉक्टर्स ने बहुत सारे उत्थे बैठे ने, टीमां डॉक्टर्स दीआं बैठीआं ने, तो मझां दा मरना निरंतर जारी आ, तो इस नूं लैके की कहना तुहाडा, की कहोगे? देखो जी, इस तरह है कि मतलब कि जिहड़ी मझां मर रहीआं ने उहदे वास्ते गढ़वासू दे डॉक्टर्स ने, टीम ने पूरा उन्हां दा पोस्टमार्टम करके सारे सैंपल लए आ। मेरी उन्होंने डॉक्टर नाल भी गल हुई है, मेरी गढ़वासू के वाइस चांसलर नाल भी गल हुई है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो, पर उन्हों का शक है जिहड़ा वो हिमोरेजिक सेप्टीसीमिया से जा रहा HS के उपर। यह जिहड़ी इस तरह की वारदात हुई है, यह कोई इस तरह की पहली बार नहीं हुई। पिछले साल इसे तरह अमूल के अंदर 120 मझां जुलाई के महीने च मर गई। जुलाई अगस्त बरसात के मौसम के अंदर हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया जिहड़ी इन्फैक्शन है, बैक्टीरियल इन्फैक्शन है, वो बड़ी कॉमन जानवरों के अंदर। हुण तुहानूं इह वी दसना चाहांगा कि कुछ दिन पहला मतलब कि हिसार के कोल एक पिंड च इस तरह ही मतलब कि ऐसे बीमारी नाल 30 तों 35 लैके गावां दे मझां मरियां। तो मतलब कि तुसीं मतलब कि एक अपना टाइम वेस्ट करन दी बजाय फीड नाल होया, मेरी यह बेनती है कि तुसीं इहदा प्रॉपर रीजन इन्वेस्टिगेट कराओ इस दा, ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫੀਡ ਨਾਲ ਮਰੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮੋਰੇਜਿਕ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟੀਪੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ HS ਦੇ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ NDDB ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
कारण है डैथ का वह हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो सकता है मतलब के। तो बाकी मैं दोबारा फिर एक गल दोहराना चाहाँगा, गरंटी नाल मैं कहना चाहाँगा कि फीड नाल एक फार्म से इन मझा नहीं मर सकदियां। दूसरी गल मैं ये कहाँगा कि वेरका का फीड पूरे पंजाब जा रहा, जे इस तरह फीड नाल मझा मरन लग जाती है तो पूरे पंजाब तो हाई दो हाई मच जाती, इसे फार्म से क्यों मर रही मझा, इनफेक्शन इतने है। नाल मैं ये भी कहना चाहाँगा इस चैनल के थ्रू कि यह इनफेक्शन अगर गावों भी फैल सकती है, हुण ते मझां मर रही, हो सकता है दो चार पांच दिनों से भी खबर आए कि उत्थे गावां मरनी शुरू हो गई। वेरका फीड प्लांट के जनरल मैनेजर आशीष कुमार अग्रवाल ने भी कहा कि अज भी कंपनी की फीड राउ डेयरी फार्म च जा रही है, पर फिर वो इल्जाम क्यों लगा रहे ने ये समझ नहीं आ रहा। जबकि प्लांट के प्रोडक्शन मैनेजर दलजीत सिंह ने भी कहा कि वो इस हादसे तो बाद कुछ वड्डे फार्मा वाले किसानों भी मिले जिन्होंने फीड च कोई नुक्स नहीं दसिया। सवेरा पंजाब ली पायल तो संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 9947 84374 9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।